आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स, आपके साथ मैं हूं श्रेया। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, जहां प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति शराब का आदी था, जिसने झगड़े के दौरान पत्नी के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक संतान न होने की वजह से पति और पत्नी में बराबर झगड़े होते रहते थे। धूमनगंज के नीम सराय मोहल्ले का रहने वाला उमेश चंद्र ठेला लगाकर सब्जी बेचता है। उसकी शादी कई साल पहले कटरा मोहल्ले की मधु से हुई थी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। रविवार को उमेश चंद्र और मधु घर पर ही थे, तभी उनके घर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि उमेश ने एक वजनदार हथियार से अपनी पत्नी के सिर पर कई वार किए हैं। मधु के सिर से खून निकल रहा था और वह कमरे में पड़ी हुई थी। घटना की जानकारी होते ही कर्नलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने ही उमेश ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूली, जिसके बाद उसे पकड़कर थाने ले जाया गया। पुलिस के अनुसार उमेश शराब का आदी है और वो अपनी ससुराल में ही रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर उसका उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। मधु के माता पिता नहीं हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर मोहल्ले के लोग घटना को लेकर हैरानी जता रहे हैं। एक महिला जिनकी उम्र लगभग 48-50 साल, उनको घर में ही मृत अवस्था में मिली है, क्योंकि लोग उनको ले गए अस्पताल तो वो ब्रॉड डेड वहाँ पर डिक्लेयर हो गए। उनको भी सर में चोट आई है। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक उस घर में अकेले पति थे और इनका दारू वारू पीने को लेकर के झगड़ा हुआ करता था। वो शुगर का भी काम करती थी वहाँ पर, तो 5-6 हज़ार रुपये वो कमाते थे। उसी में से ये इनके पास ही बेरोजगार था पति, और कोई धंधा पानी भी इसके पास नहीं था। एक ऑटो था, 6 महीने पहले उसको बेच चुका है, घर में ही पड़ा रहता था। मोहल्ले के लोगों ने जो बताया कि ये इसी ने मारा है, पता नहीं चल रहा। हम पूरी बातों के भी तहकीकात कर रहे हैं, जैसा मिलेगा वो सब से कार्रवाई। शरीर में कटे फटे कटी का भी निशान है, तो केस पूरा हम रिव्यू करा रहे हैं पूरी चीज़ों का। ये काम के साथ साथ देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।